सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार सब आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हेडिंजर फ्रिंजेस और टॉलरेंस के फ्रिंजेस को इन डिटेल समझने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं ना। तो आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडिंजर और जो है टॉलरेंस की एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्रिंजेस का गणना कर रहे थे, तो उन्होंने अपना कुछ एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फ्रिंजेस को उत्पन्न किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंजर की फ्रिंजेस की बात करते हैं। फ्रिंजेस जो होती है, इन्होंने बताया कि फ्रिंजेस जो होती है वो इक्वल इंक्लिनेशन की यानी सेम झुकाव की होती है, ठीक है ना। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव होता है, तो जो फ्रिंजेस होती है वो समान झुकाव वाली होती है, ठीक है ना। तो फ्रिंजेस का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको भी बताया था, फॉर्म्ड बाय चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब क्या होता है, जैसे कोई रेज जो है किसी सरफेस पर जो है इंसिडेंट होती है, तो उसमें जो है रिफ्लेक्शन की घटना के फलस्वरूप उन किरणों में क्या होता है कि अलग अलग किरणों पर वो इंसिडेंट होती है ना, अलग अलग एंगल पर। तो अलग अलग एंगल पर ही डिस्ट्रीब्यूट यानी एंगल चेंज होने पर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। फ्रिंजेस का फॉर्मेशन उनके जो है रिफ्लेक्शन एंगल का चेंज होने पर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब इन्होंने कुछ अपना रिक्वायरमेंट दिया था कि इस चीज के लिए इतना जो है आवश्यकता होगी अगर फ्रिंजेस को हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। तो फ्रिंजेस को रिक्वायर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सोर्स मस्ट बी एन एक्सटेंडेड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो हम लोग जो लाइट सोर्स यहाँ पर ले रहे हैं वो फैलाव होना चाहिए, उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। और बताया था कि फिल्म मस्ट बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। और जो फिल्म ले रहे हैं उसकी मोटाई जो है ठीक होना चाहिए यानी पतली होनी चाहिए और थोड़ा सा मोटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग ने मीडियम साइज में उन्होंने जो है फिल्म को लेने का सलाह देते हैं यानी रिक्वायरमेंट उन्होंने पेश की। और उसमें थर्ड रिक्वायरमेंट ये था कि जो है ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी फोकस्ड एट द इन्फिनिटिव बिकॉज फ्रिंजेस फॉर्म एट इन्फिनिटिव। हेडिंजर की फ्रिंजेस में क्या होता है कि जो जो इमेज बनती है ना, जो फ्रिंजेस फॉर्म्ड होती है वो इन्फिनाइट एंगल पर होती है ना, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर उसकी इमेज जो है फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। तो जो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं ना ऑब्जर्व करने के लिए यानी देखने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो भी ले रहे हैं वो एक तो इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो है इसका जो इमेज है यानी फ्रिंजेस फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनफिनाइट में होता है, ठीक है ना। तो इसका तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था, ये तीनों आप लोग जो है अपने नोट्स में लिखेगा, ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इन तीनों पॉइंट से हम लोग जो है हेडिंजर फ्रिंजेस की गणना यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर एक्सटेंडेड सोर्स के द्वारा हम लोग जो है लाइट को एक फिल्म में फिर इंसिडेंट कराते हैं। इंसिडेंट होते ही सरफेस दो लाइट होती है, एक जो है ट्रांसमिट हो जाती है और एक यहाँ सरफेस पहले सरफेस पर पड़ते ही वो रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित होकर लेंस की ओर चलने लगती है। लेंस द्वारा इनको इन जो इंसिडेंट किरणें यानी रिफ्लेक्ट होकर किरणें जो लेंस पर पड़ती है उनको एक पॉइंट सोर्स पास या इसको कलेक्ट कर दिया जाता है यानी कि केंद्राभिसारित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभिसरण हो जाता है, यहाँ पर एक बिंदु पर जो है रेज यहाँ पर मीट करती है। इस प्रकार से हम लोग को जो है ये अनंत पर होती है, ठीक है, थोड़ा सा दूर में होती है लेकिन होती है, ये अनंत पर फॉर्म होती है। इसलिए हम लोग को जो ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो इन्फिनाइट में रखना चाहिए यानी फोकस में रखना, इनफिनाइट फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपली इसका डायग्राम भी आप लोग एग्जाम में बना के आएगा, इतना आप लोग को कंफर्टेबल रहेगा। सिंपली आप लोग इसको थोड़ा सा हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। सोर्स मतलब स्रोत होता है ना। उसके बाद हम लोग जो है टॉलरेंसकी फ्रिंजेस को देखने वाले हैं। तो टॉलरेंसकी ने जो है 1945 में जो है अपना जो है फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट जो है दुनिया के सामने पेश किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के स्थान पर इन्होंने व्हाइट लाइट सोर्स का उपयोग किया था, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश किरण, एक वर्णी मतलब एक रेज आता है ना, तो एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक के स्थान पर इन्होंने व्हाइट लाइट फ्रिंज है ना, श्वेत प्रकाश को उन्होंने लिया था व्हाइट फ्रिंज व्हाइट लाइट सोर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इन्होंने जो है व्हाइट लाइट सोर्स का यूज़ किया तो इन्होंने देखा कि इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर की जो है फ्रिंजेस जो है प्रोड्यूस होती है जिनको इन्होंने टॉलरेंसकी फ्रिंजेस कहा है ना, अपने ही नाम पर इन्होंने टॉलरेंसकी फ्रिंजेस कहा, ठीक है ना। क्या होता है कि इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर है ना, मतलब एक श्वेत प्रकाश की जो है किरण जो है इक्वल क्रोमेटिक यानी क्रोमेटिक मतलब क्या होता है कि कलर, बहुत सारी कलर की सीरीज है ना, तो इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर की फ्रिंजेस जो है उत्पन्न की यानी फॉर्म्ड की, उसको हम लोगों ने अपने नाम के इक्वल में कहा कि ये जो है इन फ्रिंजेस को हम लोग जो है टॉलरेंसकी फ्रिंजेस कहते हैं, ठीक है।
ये फ्रिंजेस वेज फ्रिंजेस से मोर शार्प होती है। मतलब वेज फ्रिंज हम लोग जैसे पहले डिस्कस किए थे कि वेज फ्रिंज कैसा होती है, कुछ इस प्रकार से इसका जो है गैप पॉइंट होता है, यहाँ पर से इसका निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर जो वेज फ्रिंज यहाँ पर जो फ्रिंजेस बनती है इसी को हम लोग ने वेज फ्रिंज कहते हैं ना। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके जो इंटेंसिटी की वैल्यू है ना, इंटेंसिटी का इन्होंने एक फार्मूला दिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ना। ये टोलांस्की फ्रिंजेस जो है हम लोग का जो है माइकलसन का थोड़ा सा थ्योरम है उससे बेस्ड है ना। तो यहाँ पर इन्होंने इंटेंसिटी का सिंपली आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन वन प्लस एफ साइन स्क्वायर फाइव अपॉन टू होता है, ठीक है। तो आप लोग को इतना ही नोट्स में लिखना है और आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ये 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है, ज़्यादा ज़्यादा नंबर के लिए नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।